वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, माशाल्लाह आपकी मस्जिद में हम लोग 4 दिन रहे। अल्लाह ताला आप हजरात की जियाफत को, खिदमत को, नुसरत को मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जो अजाइम लेकर आए थे वो तो हमको ज्यादा हासिल नहीं हो सके, लेकिन एक बात तो है कि नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, काम नतीजे के लिए नहीं है, काम नजात के लिए है। काम किस लिए है? नतीजे के लिए नहीं है, काम नजात के लिए है। नतीजा सामने जिसके होता है वो मायूस होकर बैठ जाता है। क्योंकि नतीजा नबी के जमाने में भी नहीं निकला। नूह अलैहिस्सलाम की लंबी चौड़ी मेहनत 950 साल की, लेकिन नतीजा बहुत मिनिमम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मेहनत 23 साल, लेकिन नतीजा बहुत बड़ा। तो हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, नतीजे के हम लोग मुकल्लफ नहीं हैं। लेकिन सही फिक्र और सही जुस्तुजू और तकाजे पैदा करना और तकाजों को पूरा करना और इन तकाजों को हासिल करने के लिए जो मेहनत जिस रुख पर सही अंदाज में करनी चाहिए वो चाहिए। जिसके लिए सबसे बुनियादी चीज है आपस का इत्तेहाद। मस्जिद की जमात हो, सिरोजा जमात हो, चिल्ले की, 4 महीने की, बेरून की, मस्तूरात की, कोई जमात हो, अगर इनके फिक्रों में इत्तेहाद है, इनकी बात एक है, इनकी फिक्र एक है, तो इनका फिक्र और इनकी बात का एक होना ये ताकत बनती है। हाँ, सबकी फिक्र एक। और फिक्र क्या? हर घर के हर फर्द को इस काम से लगाना है। हर मस्जिद के अतराफ का बालिग मर्द ये मस्जिद से जुड़े, हर औरत हफ्ते वाली तालीम से जुड़े, हर बच्चा मकतब से जुड़े। ये हमारा हदफ है काम का। इस हदफ को हासिल करने के लिए हम कहां तक पहुंचे इसका जायजा भी लेते रहना है। आदत के तौर पर और एक मामूल को बुरा भाई जरा सुनिए, हाँ जरा सब लोग मुतवज्जे हो जाइए। आदत के तौर पर एक मामूल बनाकर मेहनत करने से सवाब तो मिल सकता है, लेकिन इससे हिदायत आसमान से आएगी नहीं। एक आदत, एक मामूल भाई करना है, और एक है तकाजे की अहमियत को समझकर, तकाजे को पैदा करकर उसके ऊपर अपनी जान को खपाना। जी हां, बेचैन होना मेहनत में, बेचैन होना दुआओं में, बेचैन होना आमाल के एतबार से। अंदर की बेचैनी बाहर जाहिर होती है। जब कुछ माल का नफा नुकसान होता तो अंदर की बेचैनी शक्ल पे नजर आती है, अंदर की फिक्र शक्ल पे नजर आती है। जब कोई माल का, तिजारत का कोई ऐसा गड़बड़ होता मामला, या होते होते काम नहीं बनता, तो आदमी के बात करने के अंदाज में, उसके चेहरे के तगैयुर में ये चीज महसूस होती है कि भाई ये थोड़ा सा जरा मसला है। इसलिए एक तो बात यह है कि काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काम का होना एक मामूल के एतबार से ना हो। ये काम अगर इसको हमने मामूल बनाया और इसमें रुखसतें तलाश की तो फिर काम काम नहीं रहेगा। ये एक तंजीम की शक्ल बनेगी, और ये तंजीम नहीं है, ये अल्लाह के हबीब की मेहनत है, ये अंबिया की मेहनत है, ये साहबा वाले आमाल हैं, ये साहबा का काम है। तंजीम के ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसमें होता है एक नजम के एतबार से काम। जी हाँ, इसलिए हर कोई अपनी मस्जिद की सतह पर, जो मैंने हदफ आपके सामने बयान किया है, हर घर का हर फर्द ये अल्लाह के काम से और मस्जिद से, औरतें हफ्ते वाली तालीम से, और बच्चे मकतब से वाबिस्ता हों। कोई फर्द हमारे इस महल में ऐसा ना रहे जिसका कम से कम 3 दिन ना लग गया हो। हदफ तो 4 महीने लगवाना है और आलम में भेजना है, कम से कम इतनी मेहनत। आप, आपकी मर्जी से कितनी सिर जमातें निकलती हैं 1 महीने में?
अच्छा दो निकलती हैं, कौन कौन से हफ्ते में है? थर्ड और फोर्थ में। अफराद कितने जाते हैं? अफराद उसमें अफराद कितने जाते हैं? 10 तक रहते हैं माशाल्लाह। उसमें नए कितने होते हैं? और एक सवाल, एकदम नए, नए एकदम नया, बिल्कुल फ्रेश। हाँ जी, फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मेटेरियल, फैक्ट्री चलती नहीं उसके बिना। और हमारे जिस्म को नया खून चाहिए, जब तक काम के अंदर नया नया अमला नहीं आएगा, मतलब 3 दिन की जमातों में इजाफा नहीं होगा, तो बात के तकाजे पूरे नहीं होंगे। भाई समझे बात को, असल मस्जिद की जमात की तरक्की का राज है 3 दिन की जमातों की कसरत। जब 3 दिन की जमातों की कसरत होगी तो बड़े तकाजे अपने आप पूरे होंगे, क्योंकि 3 दिन की जमातें सेरोजा इतनी मुआसिर चीज है, अगर सही रुख पर इसको किया जाए, 72 घंटे लगे और ये 3 दिन के अमाल हो, 6 तालीम हो, 3 तहज्जुद हो, हाँ हाँ ये सब, सिर्फ दवाई पूरी खाएंगे ना। अगर हमने 3 दिन के लिए किसी को सही रुख पर 3 दिन के लिए लगवा दिया तो वो साथी बनकर आ जाता है। सिरोजा अगर जा रही है और जाने में आधा दिन लग रहा है, पहुंचते पहुंचते जोहर हो गई और उसके बाद वो सरसरी तालीम हो गई और आने के बाद आधे दिन के बाद मशवरा वापिस आने का हो रहा है, तो ये अपने 2 दिन की जमात हुई और इसमें भी तालीम हुई नहीं हुई, और उन्होंने तस्बीहात पूरे किए नहीं किए, उनकी तहज्जुद हुई नहीं हुई, इस तरीके की जमात अगर 1000 भी निकालेंगे, एक आदमी काम वाला नहीं बनेगा। भाई बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता है, होगा आपके पास, लेकिन आमतौर से ऐसा होता है सिरोजा जमातों में, निकलते निकलते आधा दिन खत्म हो जाता है और फिर वापसी में आधा दिन, बल्कि 72 घंटे। सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे इस काम के 24 घंटे के आमाल में दिलों को पलटने की तासीर अल्लाह ने रखी है, वो अल्लाह की तरफ से तासीर है इसमें, लेकिन ये तासीर जब जाहिर होगी, जब आमाल होंगे, आमाल तो करना जरूरी है संजीदगी के साथ, और जब हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा तो तकाजे पूरे होंगे। इतना बड़ा अमला आपका है, हर हफ्ते एक जमात की बुनियाद होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम, इससे तो कम है ही नहीं दर्जा, हर हफ्ते एक जमात की बुनियाद, 3 साथी हो जाओ बस, अलग से 1 हफ्ते के लिए 3 साथी, 1 हफ्ते के लिए 3, 1 हफ्ते के लिए 3, 1 हफ्ते के लिए, पूरा हफ्ता मेहनत हो, डोर टू डोर मुलाकातें हो, हर घर के हर फर्द से मिलना, उसको मस्जिद लाना, मस्जिद की आबादी की मेहनत में जुड़कर उसकी तश्कील करना। अगर ये हमने कर लिया तो जितनी ज्यादा हमारी सेरोजा जमातें निकलेंगी, उतना चिल्ले और 4 महीने की जमाते अगर सही रुख पर निकली, और आज इस हफ्ता हमने एक जमात निकाली, वापिस आने के बाद इन सारे साथियों की निगरानी हमारे काम में, असल फॉलो अप है, फॉलो अप अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आप अगर काम देते थे उसको फॉलो भी करते थे, उसकी निगरानी, एक एक साथी को टारगेट बनाकर उसकी निगरानी करना। जितने साथी आपके साथ जा रहे हैं सेरोजा, ऐसा नहीं कि भाई सेरोजा लगा उसका दोनों वहां हम, उनके साथ राबता रखना, उनको अपने से करीब करना, सिर्फ दीन की बात नहीं, गई की आखिरत की बात, दीन की बात नहीं, मोहब्बत से काम चलता है, उससे जाती ताल्लुक भी पैदा करो, उसके अच्छे बुरे में काम आओ, वो तालिबे इल्म है, उसकी पढ़ाई के अंदर उसके माविन बनो, अगर उसको किसी चीज की जरूरत है उसके उसके लिए इंतजाम करो, अल्लाह ने आपको जैसे भी आपको दिया उसके माविन बनो। इस तरह से जो सिरोजा जमात इस महीने गई है, आइंदा महीने में भी अगर वही सिरोजा जमात चली जाए उसी हफ्ता, तो फिर एक 2-3 मरतबा सिरोजा लगाने से, 7 अगर सही लग जाए, 2-3 मरतबा सही सिरोजा लगने से आदमी खुद चिल्ले के लिए तैयार होता है तश्किल के बिना, ये असर है हमारे काम का। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है, या तो सिरोजा के अमाल में कमजोरी है या वक्त में कमजोरी है। तो भाई एक तो हमारी दरखास्त ये है कि मस्जिद के इज्तमाई तौर पर पूरी सतह को ऊपर बढ़ाने के लिए, एक तो यह है कि हमारी सेरोजा की तादाद ज्यादा हो और काम तकसीम हो और घर घर की मुलाकातें हों। आपके पास तकसीम है माशाल्लाह, बहुत है, बहुत हुस्ने खूबी के साथ आपकी तकसीम हुई भी है। डोर टू डोर मुलाकातें, रोज के मशवरे में हर
हर जमात अपनी कारगुजारी सुनाए कि हमारी ये 20, 25, 30, 50 घर हमारे जिम्मे हैं, हमने किस किस घर पे मुलाकात की, डोर टू डोर, सिर्फ अपने अपने जहन के लोगों के साथ जो अपने से मानूस हैं और बार बार उन्हीं के पास जाना, ये हमारा मामूल बना हुआ है। हर घर के हर फर्द को टच करना, हर घर का हर फर्द हमारा टारगेट है जो बालिग मर्द हैं इन मुलाकातों के जरिए। मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर मस्जिद की जमात 15 दिन के अंदर पूरे घर कवर कर लेती है और तमाम अफराद से मुलाकात कर लेती है तो ये मस्जिदवार जमात तरक्की की तरफ चलेगी, अगर 15 दिन से आगे करती है तो फिर ये मस्जिदवार जमात नीचे जाएगी, तनजुल की तरफ जाएगी। 230 घर में 15 दिन में बात पहुंचनी है, उसकी तरतीब बनाओ। हमारे मशवरे में बैठने वाले हर आदमी को काम मिलना चाहिए। दूसरी बात, अमला क्यों बैठता है, इस्तकामत अमले की क्यों खत्म होती है, क्योंकि उसको मशवरे से काम नहीं दिया जाता। जो मशगूल रहेगा वो बाकी रहेगा, और जिसको आप काम में नहीं लगा के रखेंगे तो वो जाया हो जाएगा, गैर महसूस तरीके से उसके अंदर बेफिक्री आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता अमाल से काम से दूर होगा और फिर गायब हो जाएगा, ये होता है। इसलिए मशवरा कोई काम नहीं है, काम के लिए मशवरा है, मशवरा कोई काम नहीं है, भाई हम तो बैठे मशवरे में नहीं, काम के लिए मशवरा, तकाजे पैदा करो, जितने तकाजे मशवरे में पैदा होंगे आपस के इत्तेहाद से और मेहनत करके उनको माशाल्लाह से पूरा किया जाएगा तो इंशाल्लाह इत्तेहाद की वजह से तकाजे भी पूरे होंगे, अमले में भी इजाफा होगा। एक बात तो यह है कि मशवरे के अंदर काम दिया जाए, दे रहे हैं तो आपस का मुजाकरा है, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज के अंदर काम दिया जाए, भाई आपके पास कितनी जमातें बनी हुई हैं, ऐसा हाँ तो 4 हफ्तों में एक एक जोन को कर दो, खत्म हो गई बात। एक जोन वाले पहला हफ्ता कर लें, एक जोन वाले दूसरा कर लें, तीसरा, या इसकी भी तकसीम है तो फिर हाँ। असल तो खुरूज है, हमारे काम का इम्तियाज है खुरूज, अल्लाह के रास्ते में निकाल, अल्लाह के रास्ते में निकलना और अल्लाह के रास्ते में निकालना, ये जितना ज्यादा होगा उतनी तरक्की होगी। जो जो अल्लाह के रास्ते में जाके बात आती है समझ में, उसका कोई बदल नहीं है। आपके पास लिस्ट है कितने लोगों ने सिरोजा लगाया है, जी 230 जो घर हैं उसमें 500 मर्द तो होंगे नहीं, होंगे 700-800 होंगे, उसमें से कितने अफराद ने सिरोजा लगाया है, हाँ हाँ वही तो, वो भी होनी चाहिए ना। इसलिए एक तो हमारी दरखास्त ये है कि 4 जमातों की बुनियाद डालो, ठीक है इंशाल्लाह, क्या मास्टर साहब, 4 जमातों की बुनियाद डालो, हर हफ्ते एक जमात, और मेहनत करो सब मिलके, और हर हफ्ते एक जमात यहां से चली जाए, और जमात से आने के बाद उन अफराद की निगरानी हो, उनको मकामी काम से जोड़ना हो, उनके घर में तालीम हो, और आइंदा हफ्ता उनको फिर आइंदा महीना फिर से उस हफ्ते में उनको सिरोजा जमात में निकालना। सिरोजा जमात की कसरत असल काम है मस्जिद की जमात का, एक दो जमातें अगर जाए बहुत, और इससे आगे जितनी सिरोजा जमातें मर्दाना जा रही हैं उतनी मस्तूरात की जानी चाहिए, ये अच्छी बात है, असल तो ज्यादा जानी चाहिए क्योंकि मर्दों से ज्यादा मस्तूरात है, मर्दों से ज्यादा औरतें, हम खुद बयान करते हैं सुनते हैं इसको। इसी मरतबा निजामुद्दीन में हजरत ने फरमाया अगर किसी मस्जिद से हर हफ्ता जमात जा रही है और मस्तूरात की जमात नहीं जा रही है, बंजर मस्जिद है, बोले मेरे नजदीक उस मस्जिद में काम ही नहीं है। क्यों, औरतों को काम से लगाना इंतहाई जरूरी है। एक बात, जब आपकी सिरोजा जमात जाए, 4 जमातें हो जाएंगी इंशाल्लाह, इनमें से हर फर्द को पाबंद करो कि तीसरे महीने इसको मस्तूरात के साथ जाना है, ये पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा। 2 हफ्ते उनको लेके, मतलब 2 महीने उनके साथ जाते हुए हो गए, वहां पर उनका जहन बना, भाई देखो 2 महीने हमने मर्दाना में लगाया है, तीसरे महीने हमको मस्तूरात में ही लगाना है। अहलिया नहीं, अम्मा के साथ जाए, और जो महरम है उसके खानदान में उसकी कोशिश कर ले, नानी के साथ चला जाए, दादी के साथ चला जाए, खाला और फूफू के साथ चला जाए, शादीशुदा बहन भांजी और भतीजी के साथ चला जाए, ये सारी महरम है जिसके साथ ये जा सकता है,
गर्ज है कि हर फर्द हर तीसरे महीने मस्तूरात में जाए जरूर, मर्दों की सिरोजा जमातें और मस्तूरात की सिरोजा जमातें। ये मर्दों की सिरोजा जमातों से आपको चिल्ले की 4 महीने की जमातें मिलेंगी कुछ वक्त के बाद, अपने आप मिलेंगी, कोई भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है काम। और जैसे आप तरतीब से हर तीसरे महीने सिरोजा हर किसी का खुद भी लगाएंगे, सबसे पहले तो खुद इरादा करो कि हम तीसरे महीने जमात बनाएंगे। और जितने साथी हमारी मस्जिदवार जमात में है सिरोजा में जा रहे हैं, तीसरे महीने इनका मस्तूरात में वक्त अगर लगता रहेगा आपको अशरव की जमातें बनेंगी और चिल्ले की जमातें, ये सब मस्जिद से होगा इंशाअल्लाह। मस्जिद की सतह पे आपके पास 4 महीने की जमात कब बनी थी जी? 2015, 7 साल पहले जी। चिल्ले की जमात मुकम्मल में एक एक आदमी बाहर का नहीं, मुकम्मल चिल्ले की जमात मस्जिद से कब गई थी? नहीं बाहर के तो आपके पास तो आबादी है, 230 घर है, 800,000 मुसलमान हैं, चिल्ले वाले हैं, 4 महीने वाले हैं, मस्जिद है, नुसरत है, सब आपके पास है। मुकम्मल जमात मस्जिद की ये कब गई थी चिल्ले की? ये है ना, देखो ये असल काम है कि, और ये क्यों है जो मैंने अब तक बयान किया ना उसके जौफ की वजह से ये है। हमारी चिल्ले 4 महीने की जमात क्यों नहीं है, हमारे पास अशरे और चिल्ले की मस्तूरात की जमात क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बुनियादी काम में कमजोरी है भाई, कोई मसला नहीं है, अब तक हो रही थी अब इस्तगफार कर ले और इसको तरतीब दे। बोझ पड़ना चाहिए, 3 आदमी की अगर जोड़ी बनी है, अगर एक भी मेहनत से जमात में इस हफ्ते नहीं जुड़ा, ये और किसी मस्जिद के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये तय है, मरकज निजामुद्दीन के मशवरे से बात तय है। 3 आदमी की जोड़ी बनी ना हफ्ते में, ये पहले हफ्ते में अब्दुल सलाम भाई, जुबैर भाई, मोइन भाई, एक मिसाल के तौर पर बन गई, मेहनत करें, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, जमात नहीं बनी, तो इन ये किसी मस्जिद के साथ नहीं जुड़ना, अकेले जाना, 3, 4 हो गए 4 अकेले जाना, 5 हो गए 5 अकेले जाना, जी हाँ ठीक है। अरे इस हफ्ते नहीं बनी, आइंदा हफ्ते जाएंगे, ये भी नहीं, उस हफ्ते जमात जाए, ये जाएंगे अपने इलाके पे मेहनत करेंगे, एहसास होगा आइंदा मरतबा बनेंगे। और आपका इलाका तो जरखेज इलाका है, नरम इलाका है, उमूमी इलाका है, हर कोई दावत को जानता है, मोहब्बत करता है, फिक्रमंद है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इससे आगे की बात यह है, जो आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, आप सब माशाल्लाह से वक्त लेकर आए, आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर देता हूं कि असल जो काम होता है वो रोने से, अल्लाह से रुजू करने से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से, हर तश्कील का नाम अल्लाह के सामने रखने से, उस तश्कील के नाम से सदका देने से, अल्लाह के पास जब आमाल का मजमुआ पहुंचेगा हमारी मेहनत के साथ, तो अल्लाह के फैसले से जमात बनती है, अल्लाह के फैसले से अफराद निकलते हैं, हमारी गश्तों से नहीं होता काम, काम तो अल्लाह करते हैं दोस्तों। इसलिए हर कोई पाबंद हो रात की मेहनत का, जी हाँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गज़वा बद्र में एक दिन पहले सहाबा के इजहार पर, जो इजहार जज्बा सहाबा ने किया कि हम जान देंगे, जहां से कूदो बोले कूद जाएंगे, तफसील है उसकी, वही नाजिल हुई और आपको बशारत मिल गई कि कल बदर में फतह होने वाली है। उत्बा कहां गिर के मरेगा, हजरत जिब्राइल ने बताया, निशानदेही हो चुकी थी कौन सा मुशरिक कहां गिर के मरेगा। और आइंदा दिन सहाबा फरमाते, हमने देखा जहां निशानदेही थी उत्बा वहीं गिर के मरा, बशारत आ चुकी है कि कल फतह होगी, लेकिन सुन्नत क्या है, यह सवाल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बदर की रात मैंने अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम को देखा एक दरख्त के नीचे रात भर नमाज पढ़ते रहे, दुआ करते रहे, रोते रहे, सुबह हो गई। ये काम रात से चलता है, दिन का काम नहीं है। जितनी अच्छी रात होगी, जितना अच्छा अल्लाह से ताल्लुक रात में कायम हो जाएगा, उतना दिन के कामों में आसानी हो जाएगी। ये काम आसमानी फैसलों से होगा दोस्तों, सिरोजा जमातों, 5 महीने की जमातों, अल्लाह के अम्र से बनेगी। और अल्लाह का अम्र होगा दिन में थकना, रात में रोने से हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होगा। दिन में भी खूब थकना है, हजरत ने फरमाया 3 थकान चाहिए, दावत की थकान, इबादत की थकान और दुआ की थकान, ये सुन्नत है। इस वक्त हम थक रहे हैं और सो रहे हैं, मसला ये है, आपको नहीं, एक आम बात है।
थकना और सोना नहीं है, थकना है इबादत में, थकना है दुआ में, थकना है रोने में, थकना है। और दिन की मेहनत, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, दिन की मेहनत एक छटाक, रात की मेहनत एक मन। आपको बताता हूं छटाक क्या है, मालूम है? 50 ग्राम। मन बोले तो मालूम, मन आप लोग के यहां पे नहीं है, 40 किलो को मन बोलते हैं यूपी में। दिन की मेहनत 50 ग्राम और रात की मेहनत 40 किलो, कुछ कंपैरिजन है? आप अंदाजा लगाओ तो हमारी मेहनत की मकदार क्या है। अब जाहिर सी बात है रात भर तो हम इबादत नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक मजबूत मामूल हो दुआ का, अल्लाह के इस्तेहजार के साथ अल्लाह की मदद से काम होता है दोस्तों। और आखिरी बात यह है कि जिस जमात में आपस में इज्तमाइयत होती है, ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, मेहनत है, दुआ है, लेकिन हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुम्हारी नमाज, जिक्र, तिलावत और दुआएं सातों आसमान को चीर कर अर्श को पहुंच जाएं, अर्श को लग जाएं, कबूल भी हो जाएं, अगर आपस में इज्तमाइयत नहीं है तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसलिए अगर कुछ साथियों से गलतियां होती रहती हैं, कुछ बेउसूलियां होती रहती हैं, दरगुजर की कैफियत हमारे माहौल में रहे, माफी तलाफी करने की एक कैफियत हमारे माहौल में रहे, टोकना, डांटना, डपटना हराम, बेउसूलियां हैं क्योंकि इंसान है, बेउसूलियां, गलतियां, कोताहियां, बेउसूलियां होंगी, इंसान है, फरिश्ता नहीं है, उसको निभाना। 5 उंगली बराबर नहीं है, ठीक है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, लेकिन जरूरत 5 की है तो ताकत बनेगी। हाँ, इसलिए सतह अलग है साथियों की, अलग अलग नोयत है, मिजाज अलग है, हैसियत अलग है, सबको संभालना। और आप हजरात ये जिम्मेदार लोग हैं, आप जितना कुर्बानी में आगे रहेंगे, आपका पीछे आने वाला जो मजमा है सिरोजा जमात में आपके साथ जाएगा, आप उनके लिए नमूना बनेंगे। चिल्ले में आपके साथ जो नया आदमी जाएगा, आप उसके लिए नमूना बनेंगे। जो रफ्तार हमारी होगी वो रफ्तार हमारे पीछे चलने वाले अमले की और मजमे की होगी। अल्लाह के हबीब की सुन्नत है, अगर सहाबा के पेट पे एक पत्थर है तो आपके पेट पे 2 पत्थर हैं। सहाबा के घर पे एक हफ्ते का फाका है तो आपके 11 के 11 घर 2-2 महीने चूल्हा नहीं जल रहा है वहां पे। आप हमेशा आगे रहे और खुद काम किया, ये सुन्नत है। इसलिए हमारा रोजाना का जो वक्त है वो 8 घंटे का वक्त है। कितना भाई? 8 घंटे। 2.5 घंटे लोगों को काम से मुतारिफ करने के लिए है, आवाम की सतह है, जो नए लोगों को आदत डालने के लिए। 2.5 घंटे हमारे लिए नहीं है। अगर कुछ करके दिखाना है, मस्जिद को उठाना है, काम की सतह को बुलंद करना है, तो अपने वक्त में इजाफा करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई एक मामूल है, बस इतना करें निकल गए। कनात के साथ अगर काम करेंगे तो दोस्तों बुजुर्गों, मामूल पूरा होगा, काम नहीं होगा। इसलिए रोजाना का वक्त तय करना, 2 गश्तों के दिन तय करना, हफ्ते अपनी जो 3 दिन की जमात है से रोजा, इसका हफ्ता तय करना, सालाना खुरूज का 1 महीना तय करना, और इस वक्त पे जाना, इसी वक्त पे लगाना, कभी आए कभी नहीं आए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, मस्जिद की जमात के साथ ही 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो वक्त तय कर अपने वक्त को लगाते हैं रोजाना, हफ्ते के एतबार से महाना और सालाना, ये 4 किस्म के वक्त है हमारे। डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, 4 किस्म के काम, इसका वक्त तय हो। जो वक्त को तय करेंगे उनके उनका एक काम बनेगा, और वक्त जब तय करेंगे तो हालात आएंगे, अहवाल आएंगे, शक्लें आएंगी, नागवारी आएंगी, उस वक्त में करना, नागवारियों के साथ अपने अहवाल को आगे पीछे करना, काम को मुकद्दम करना, तो फिर ऐसे लोगों के लिए अजर भी मिलेगा, असर भी होगा। और कभी गश्त की और कभी नहीं की, जिस दिन वक्त मिला उस दिन 2.5 घंटे की मेहनत कर ली, किसी दिन गायब हो गए भाई, अरे मेरा ये काम था, तो ये होगा अजर मिलेगा, असर नहीं होगा, अजर मिलेगा। 1 हफ्ते में गए थे, अरे इस हफ्ता मेरे को मसला है, मैं नहीं जा सकता, आइंदा लग गया से रोजा, लेकिन अजर मिलेगा, असर नहीं होगा, ना आप पर होगा ना आपकी जमात का, आपका आपकी वजह से होगा। इसलिए असल चीज है पाबंदी।
मुजाहदा सहाबा की तरह सर कटाना नहीं है, बीवियों को बेवा करना नहीं है, बच्चों को यतीम करना नहीं है, कोई तकाजा है? जाके कभी आनाइश नहीं है, जान देना नहीं है? हजरत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, काम से हिदायत को अल्लाह ने नहीं जोड़ा है, काम के मुजाहदे से जोड़ा है। समझो इस बात को, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। काम से हिदायत का कोई ताल्लुक नहीं, काम के मुजाहदे से ताल्लुक है। और जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, मुजाहदा यह है, आप वक्त तय करो रोजाना का, ये वक्त अल्लाह को देना है बस। अब जैसे आपने अपनी अपनी नौकरी के लिए वक्त तय किया है, अपनी तिजारत के लिए वक्त तय किया है, आपका वक्त तय है ना जाने का, ये भाई तो अल्लाह के काम के लिए वक्त तय करो और इसको दो उस वक्त में, तो काम बनेगा, इसमें जान पड़ेगी और इस पाबंदी की वजह से अजर भी मिलेगा, असर भी होगा, और हम पर नहीं पूरे आलम पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए भाई तय करो इंशाल्लाह। ये कुछ बातें आ गई सामने माशाल्लाह। एक तो हम अपना वक्त तय करें रोजाना अपनी गश्तों का, और हफ्ता अपनी सिरोजा का, और सालाना खुरूज का वक्त तय करके कुछ हो जाए हम इसमें जाएंगे। इसी का नाम मुजाहदा है भाई। आगे पीछे करते रहेंगे तो फिर मसला होगा, ठीक है इंशाल्लाह। एक तो ये तय करना है, और हर हफ्ते कम से कम, आखिरी दर्जे की बात है, आखिरी दर्जे की बात, हर हफ्ता एक सिरोजा की बुनियाद डालो, उसकी जोड़ियां आपके पास बनी हुई हैं, है ही पहले से बनी हुई, ठीक है, उसमें अहम साथी अगर आगे पीछे करना है तो करो। हर तीसरे महीने हर फर्द 3 दिन मस्तूरात में जाए, इसकी पाबंदी, उनका जहन बना के उनके घरों में तालीमा शुरू करना इसका, ये चंद काम है। जब ये हो जाएंगे, आपकी चिल्ले की जमात, 4 महीने की जमात, मस्तूरात के अशरे की जमात, मस्तूरात और ये 40 दिन की जमात, सब अपने आप होगा, ऑटोमेटिक है ये चंद बातें अगर इसका लिहाज कर लिया जाए, ये बैठने वाला अमला अगर इसको ले ले और इसको कर ले, आप माशाल्लाह कर ही रहे हैं, ये तो हमारी तरकीब और आपस का मुजाकरा है। अगर अगर ये जो बातें बयान की गई हैं, अगर इसमें कुछ झोल है, इसमें कमी है, तो हमारी दरखास्त है उसको पूरा कर लें, आपस में बैठ जाएं, इसको सोचें भाई, जो कहा गया है ये मरकज निजामुद्दीन की पूरी बात है। बंदे का वक्त काफी निजामुद्दीन में लगता है, और हजरत जो है मुल्कों के तकाजे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अमानतन ये बातें हम पूरी दुनिया में अर्ज करते हैं, आपके सामने भी कर रहे हैं, अहम बातें हैं ये चीज। काम बनेगा अगर हमने ये किया, बोले ना काम बनाओ तो काम बनेगा, खेल बनाओ तो खेल बनेगा। मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह से ये फरमाया था इंतकाल के वक्त में, बेटा यूसुफ काम है, काम बनाएगा काम बनेगा, खेल बनाएगा खेल बन जाएगा। और काम बनाने की जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने बयान की है, वक्त तय होना चाहिए, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली, और उस वक्त में लगाना कुछ भी हो जाए, और मुजाहदे के साथ लगाना करेंगे वो इंशाल्लाह। अब आप लोग बैठ जाओ आपस में और इसकी तरतीब बना लो अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। और हफ्ते वाली तालीमात, इसके इजाफे के बारे में भी वही बात है, जब सिरोजा की जमातें में इजाफा हो जाएगा तो अशरे वालियों में इजाफा हो जाएगा, अपने आप हफ्ते वाली तालीमात बढ़ेंगे, ये सारी चीज अपने आप होगी। लेकिन बुनियादी चीज ये है जो मैंने अर्ज किया आपके सामने, सिरोजा जमाते, हमारा वक्त तय हो, ठीक है भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप हजरात को बहुत कबूल फरमाए, आपकी मस्जिद में रहना हमारे लिए बहुत ही माशाल्लाह से बरकत का जरिया बना, राहत का जरिया बना, आपने बहुत अच्छी नुसरत की, साथ दिया, अल्लाह ताला आपके साथ देने को आपकी नुसरत को मकबूलियत दे और बहुत कबूल फरमाए, आफियत अता फरमाए, ठीक है इंशाल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं माशाल्लाह 19 तारीख को मरकज निजामुद्दीन की जमात, तो 19 तारीख से एक जमात तो हमारे पास से निकले, 4 माह की जमात, चिल्ले की नहीं, चिल्ले की जमात की कोई बात नहीं, चिल्ले की जमात नहीं, 4 माह की जमात, इसकी बुनियाद आज डाली जाए, उसका मैं तरीका आपको बताता हूं। उसके लिए अच्छे गुमान के साथ लिस्ट बनाओ, 150, 200, 300 आदमियों की अच्छी बड़ी लिस्ट बनाओ, अच्छे गुमान के साथ कि ये इंशाल्लाह निकलेगा, और ये आपकी 4 जमातें हैं या 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, इसके लिए उसको आपस में तकसीम करो और दिन और रात की मेहनत करो, इसी का मुकल्लफ अल्लाह ने हमको बनाया है, इससे ज्यादा हम किसी चीज के मुकल्लफ नहीं। आप जब 300 लोगों से मुलाकात करोगे, हर किसी से 4 माह की बात करोगे, कोई चिल्ले के लिए तैयार होगा, कोई सिरोजा के लिए होगा, कोई मस्जिद की आबादी के लिए होगा, किसी घर पे तालीम होगी, एक 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 किस्म की हरकत होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से आपकी इस मस्जिद से 4 माह की जमात आसानी से बन जाएगी जी, करेंगे इंशाल्लाह।
और वो जमात इस्माइल भाई लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जरा जल्दी बोल डालो भाई, फर्स्ट वीक है मोइन और भाई फर्स्ट वीक से रोजा जरूर फोन करो जरूर फोन जी। हाँ बताओ भाई। हाँ अच्छा फर्स्ट वीक हो गया, चलो तीन जोड़ियां बनाना बोली, एक मोहित का नाम आ गया फर्स्ट वीक में, अभी दो नाम आए थे इनकी एक जोड़ी हो जाती है। जुबेर भाई कपड़े वाले हमारे जुबेर भाई सेकंड हो गए, एक नाम बोल डालो तीन नाम इकबाल भाई भी अल्लाह कबूल फरमाए, चलो तीन की एक जोड़ी बन गई अल्लाह कबूल फरमाए। अब ये तो जमात 23 हो गई, अब वो जुड़ गए इंशाल्लाह। चलो भाई सेकंड वीक की बोलो भाई इलियास और भाई वदूद भाई शरीफ भाई हमारे टीचर शिक्षा वाले भाई चार हो गए, चलो तुम्हें भी सेकंड वीक जो हाँ चलो टीचर शिक्षा वाले लिखिए अब्दुल टीचर अब्दुल सलाम पांच हो गए, अब एक नाम बोल डालो ना तीन दिन दो कर डालेंगे। अच्छा क्या नाम अहमद भाई और अहमदुल्ला, चलो दो कर डाले थे इसमें, दो दिन आते हैं स्टूडेंट नहीं है। हाँ दो कर देते इंशाल्लाह। हाँ कितने नामा सात नामा है साथ है, अभी कौन तो सेकंड वीक में भाई दो जमातें बना दी अब्दुल रजाक और भाई सेकंड वीक में एक दे आ रहा इंशाल्लाह। हाँ अब्दुल रफ चलो आज अब्दुल रफ सफर में है आ जाते हैं, नहीं नहीं वो इस्माइल है अब्दुल रफ लेक्चरर है सब जरा। चलो ये आठ नाम नौ नामा आ गए हैं इंशाल्लाह, इसमें दो जमातें बना देंगे इसके थर्ड वीक में बोलो मेरा लिखो, एक मेरा है और मैं हाँ दूसरे शादाब हो गए थर्ड वीक में बोलो भाई एक साथ ही आएंगे तीन की जमात हो जाती है सात और वे अमीरुद्दीन भाई उसमें आने चलो अच्छी बात है अल्लाह कबूल फरमाए। चलो फोर्थ वीक बोलो भाई हाँ जुबेर है फोर्थ वीक अंसर है जाकिर है हाँ टीचर अब्दुल रहमान है और जाकिर का लिख दिया शिक्षा वाले भाई हमारे 70 नंबर शिक्षा वाले भाई हाँ बैग शिक्षक बैग वाले शिक्षा वाले भाई हाँ 70। अच्छा भाई ये तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह चार हफ्तों के आ गए हैं, और किसी के बचे कुछ है तो भी बोल डालो दूसरे तस्कर कर लेंगे। हाँ हाँ टीचर अब्दुल रहमान इसमें आ गए फोर्थ में जी मुझसे। हाँ देखो भाई आगे पीछे साथी अपने नाम को जावेद भाई हाँ इलियास आ गया इलियास का आ गया सेकंड वीक है। अच्छा हाँ फोर्थ में लिखो सुजात शादाब के साथ सेकंड वीक सर हाँ और जावेद सर सेकंड वीक और भाई ठीक है अब ले लेंगे नामों को इंशाल्लाह। ये और बोलो हाँ इधर लिखो
अब रोजाना के वक्त के हिसाब से बोलो भाई, ये महीने का हो गया, अब रोज का वक्त कैसा है? सब 8 घंटे का टाइम हो। हाँ कम, हाँ 2.5 घंटे का हिसाब कम से कम। अब अपना हिसाब से बताओ। हाँ सीधे हाथ से आयेंगे। चलो खान साहब बोलो। अच्छा आमिर साहब बता रहे हैं भाई, 4 घंटे के ऊपर जो लग गया वो 8 घंटों में शुमार हो जाते हैं। हाँ शुमार कर लेंगे इंशाल्लाह। जी आमिर साहब जी, चलो हाँ सीधे हाथ से शुरू हो जाते हैं, खान साहब से शुरू होंगे। बताओ मस्जिद के लिए रोजाना वक्त 1 घंटा, खान मगरिब से इंशाल्लाह 1 घंटा। चलो रहमतुल्ला, बाद मगरिब, मगरिब से ईशा, रहमतुल्ला मगरिब से ईशा, एम टू ईशी बता दादा। हाँ ईशा के बाद भी इंशाल्लाह। इस्माइल ईशा के बाद, मगरिब से ईशा से इंशाल्लाह इस्माइल हो गया। अच्छा मोइन ईशा के बाद 2.5 घंटे, आफ्टर ईशा 2.5 घंटे। फजर के बाद, असर के बाद, ईशा के बाद, मगरिब के बाद। सर मगरिब के बाद, ठीक है जावेद सर, मगरिब के बाद इंशाल्लाह, मगरिब से ईशा के बाद तक इलियास। हाँ इरफान ईशा इंशाल्लाह, इरफान ईशा, तुम्हें भी राधा करो इंशाल्लाह। अब कैसे रात को दे रहे हैं, मगरिब के बाद भी दो इंशाल्लाह। इस्माइल भाई तुम्हें भी, हफ साहब इंशाल्लाह, कोसा जोहर के बाद हो, अच्छा टाइम हमारा हो, दावत तालीम वाल चलता इंशाल्लाह। और अमरुद्दीन भाई फजर के बाद इंशाल्लाह, साथ असर के बाद, चलो अच्छा जम गया। ने 5 नंबर को भी होना, तो उन जोहर को आ गए, असर को आ गए, सही हुआ। ये सब जाकिर के शागिर्दा ही है। बोलमा जाकिर, रोजाना के वक्त ईशा के बाद इंशाल्लाह, तुम इंशाल्लाह आने के बाद आओ इंशाल्लाह है तक तो ईशा इंशाल्लाह। शुजात असर से, शुजात असर, अंसर फजर और ईशा, ठीक है अंसर फजर ईशा। बोलो शिक्षा वाले भाई कब देते? ईशा के बाद इंशाल्लाह, ईशा के बाद फजर में 2.5 घंटे इंशाल्लाह। वदूद भाई, अब्दुल वदूद भाई इंशाल्लाह, शरीफ भाई फजर और फजर असर ईशा, ठीक है मैं देती हूँ लोनो, फजर असर ईशा। तुम्हें अब्दुल रजा फजर इंशाल्लाह, ये रोजाना का वक्त। जुबैर रात में, जुबेर हमारे कपड़े वाले, फजर और इसका के बाद 11 बजे के मगरिब के बाद, हमारे शिक्षा वाली टीचर मगरिब के बाद। हाँ फजर मगरिब, हमारे इकबाल भाई हाई साहब फजर और मगरिब शादाब, पूरे 5 नमाज इंशाल्लाह। हाँ बड़ा था आमिर साहब, रोजाना का हो गया जी इंशाल्लाह। अब सालाना का एक बोल दो भाई, जिसका हमारा जो है ये करने का है, अपना अपना वक्त सालाना का हिसाब बोल दो। ये आखिरी तश्की, आखिरी बार आखिरी है रोजाना का, हफ्ते इसका हमारे हफ्ते का हो गया, अब सालाना महाना हो गया, सालाना है। ये साल का वक्त कब लगाते हैं हमारे जो चिल्ला है 4 महीने, अभी 23 में
तो बीच में चिल्ला के कि आपने, अच्छा ठीक है, जो जितने रजाए मिलते उतना तो वक्त ले लेंगे, तो 2020 पर 3 में लिख दो। हाँ ठीक है, क्या खान साहब, चलो रहमतुल्ला भी हो, इस्माइल मार्च में, ठीक है मैं इंशाल्लाह मार्च, मोइन मार्च, अप्रैल में, अब्दुल सलाम अप्रैल में, हाँ ये सब चले के आ रहे हैं। अच्छा चार बने के बोलो भे, ओ सर मैं सर छुट्टियां मिलने का, स्कूल की छुट्टियां मई में तो अप्रैल में इंशाल्लाह। और अप्रैल इलियास अप्रैल कब हॉलीडेज, अप्रैल इरफान अप्रैल, तुम्हें भी करो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हफ साहब हॉलीडेज में कब, हॉलीडेज में इंशाल्लाह अप्रैल रमजान, हाँ इंशाल्लाह। हाँ अमृतन भाई सालाना अप्रैल इंशाल्लाह, हाँ हाँ डिग्री कौसम अप्रैल में, अक्टूबर देखो इनो अफान इरादा कर बात, तू बड़ा होगो जाकिर कब, ईद के बाद को समझना लगता रहे, रमजान बकरी दो उन्हें दो ईदा को निकलता करते जी, रमजान के बाद इंशाल्लाह। हाँ जून अदनान जून, सुजात दिसंबर इंशाल्लाह, अनसर मई में इंशाल्लाह, शेखशाली भाई मई में इंशाल्लाह, हमारा वजूद भाई मई में छू, तुम्हारा अनसर का मिल को नहीं आता तो मैं ना इंशाल्लाह, शरीफ भाई मार्च अप्रैल इंशाल्लाह, दिसंबर अब्दुल रजाक दिसंबर, हाँ बाद रमजान, हाँ 2023 ये 22 का रजाक दिसंबर हो क्या अब्दुल रजाक, ये 22 का दिसंबर तो, हाँ हमारे इनो जुबेर आगो बाद रमजान है, हाँ हमारे कपड़े वाले जुबेर रमजान के बाद सीजन होया था, शिक्षा वाले मैं इंशाल्लाह रमजान में इंशाल्लाह, इकबाल भाई रमजान में कब आता रमजान कौन से महीने में, तुम्हारा अब निशित दाल लो है इंशाल्लाह, अब लिखो हमारा इंशाल्लाह, अमीर साहब ये सालाना महाना रोजाना, हाँ आपके सामने ये बात रखनी है जो इस वक्त मरकज निजामुद्दीन का सबसे अहम और सबसे बड़ा तकाजा है, मैं भी आपके कर्नूल मरकज गया था वहां पर भी ये तकाजा रखकर आया हूं, हमारी मस्जिदें 24 घंटे आमाल से आबाद हों, जिसका सबसे पहला रास्ता है हर नमाज के बाद आबादी की मेहनत हो, जब भी मुलाकात हो या तालीम होना मस्जिद लाके बात करना, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, आप फजर असर मगरिब ईशा अपने पास साथियां हैं, एक जोहर की नमाज में कुछ ऐसे साथी हो जो वक्त दें, रोजाना तालीम हो और कुछ मुलाकातें हो कि पांच नमाजों में हमारे पास अमल होने लगे, कौन होंगे, क्योंकि फजर असर मगरिब ईशा के साथ ही अपने पास आ गए माशाल्लाह, ठीक है जोहर की बात कर रहा हूं ना, अब जोहर में, अच्छा जोहर के कौन कौन है, और आप भी हैं, हमारे शादाब भाई भी हैं और इस्माइल भाई भी, मतलब जोहर में भी ये नमाजों में अमल हो और रात में भी आमाल होते रहें तो बहुत बेहतर है, इसके लिए
दो घंटे की शिफ्ट हो जाए, डेढ़ घंटे, क्योंकि रात की मेहनत का तस्किरा हुआ ना, सबको रात में नमाज दुआ जिक्र तिलावत ये चार किस्म के अमाल सबके जिम्मे है, जैसे इज्तमाई अमाल है वैसे इनफरादी अमाल है, जैसे दिन की मेहनत है वैसे रात की मेहनत है, जैसे अमाल दावत है वैसे अमाल इबादत है, इन सबके जोड़ से हमारी तरबियत होगी और हिदायत आसमान से आएगी। 24 घंटे अमाल होंगे रात भर तो बहुत नफा होगा इंशाल्लाह। रात का मामूल अगर ईशा की नमाज के बाद देर तक मसलन 10 बजे तक आपकी मेहनत हो रही है, ठीक है, तो कुछ लोग ईशा की अशाया से फारिग होकर आ जाएं 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, जी 10 से 12, अगर ये आपको जरा ज्यादा दिख रहा तो 1.5 घंटे की कर लो, 10 से 11.5, 11.5 से 1, 1 से 2.5 और 2.5 से 4 और 4 से 5.5, ऐसा करके 4-5 ये शिफ्टें बन जाएं। और इसके लिए मस्जिद में सोना नहीं, हजरत जी मोहम्मद साहब ने मना फरमाया कि मस्जिद सोने के लिए नहीं है, घर में सोना, आके अपना वक्त देना और अपने घर वापस जाना, ऐसा। इसके लिए अगर अभी तरतीब बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या फरमाना इसके बारे में? रात की तो मेहनत सब करते ही है ना, बस उसका एक शिफ्ट में आके अपना मामूल पूरा करना है। हजरत सहाबा की जिंदगी से मिलता है, मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सहाबा के जमाने में जो अजा भी तहज्जुद की अजा कहलाती है हरमैन में, जो सुबह सादिक से 1 घंटा पहले होती है, वहां सईद अहमद खान साहब ने फरमाया वो अजा सहाबा के जमाने में रात में 2 बजे होती थी, क्योंकि सहाबा ने रात को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, एक घर के लिए एक मस्जिद के लिए, और कुछ घर पे रहते थे कुछ मस्जिद में। 2 बजे अजा क्यों होती थी? घर पे ऐसो मस्जिद को आओ, मस्जिद को ऐसो घर को जाओ, उनकी तो आधी आधी रात की तरतीब थी। कम से कम हमारी 1.5-1.5 घंटे की तरतीब तो बन जाए, क्या इस्माइल भाई? अगर हो जाए तो फिर आपकी मस्जिद मिसाल बन जाएगी। हाँ अच्छा, इतना बता दो कि रात के अंदर वक्त देने के लिए कौन कौन तैयार है जी मस्जिद को? देखो इतने साथी तैयार हैं, टाइम नंबर वही तो बोल रहा हूं ना मैं। हाँ आप तो दे ही सकते हैं, हमारे शादाब भाई भी माशाल्लाह से अल शबाबुल इस्लाम है माशाल्लाह। एक इलियास जुबेर हमारे कपड़े वाले और अनसार लिखे शरीफ भाई रात के वक्त में, जाकिर रात के वक्त, मोइन अब्दुल सलाम, जुबेर भाई हमारे, अच्छा हमारे कारपेंटर जुबेर, और भाई हमारे साथ में शिक्षा वाले भाई हमारे रूम नंबर 70, और भाई माशाल्लाह इस्माइल भाई बेकरी बेकरी वाले, और कितने है नामा 11 नामा है, अब एक हो गया तो मतलब तो 12 अच्छे हुए थे। हाँ एक नाम बोल डालो शिफ्टा बन जाती है, अच्छा 12 होते बांट ले सकते 3-3 के हिसाब से। एक नाम भाई ठीक है, चलो एडजस्ट कर लेंगे। मुलाकातें मस्जिद की कब तक होती हैं आमतौर से? रोजाना 9:30 तक होती ना, तो 10 बजे से रखो फिर, या 10:30 से रखो, 10:30 से 12 एक लिखो भाई, 10:30 से 12, 12 से 1.5, 1.5 से 3 और 3 से 4.5, उसके बाद तो सुबह सादिक हो ही जाती शुरू है ना, उसके बाद तो लोग आना शुरू हो जाते मस्जिद में। हाँ 1.5-1.5 घंटा ना, 1.5-1.5 घंटा, क्योंकि 2 घंटे जरा लंबा भी हो जाता, हर किसी के लिए आसान नहीं है, आसान करना है काम को। अगर अमला ज्यादा है तो 1-1 घंटे की तरतीब भी बन सकती है आगे जाके। चलो
चलो भाई 1:30 बजे से 3 बजे तक, सबसे टफ है क्योंकि टफ हो अगर पूरा हो जाएगा तो आसानी तो आ ही जाते साथ ही बाद में जी, जो मस्जिद के करीब है उनके लिए आसान है। इस्माइल भाई तो आ ही जाएंगे 1:30 बजे, वो एक उनके अलावा बोलो। सबकी नजर अमीर साहब पे है, चलो एक अमीर साहब के साथ दो गरीब साहब तो हो जाए। जी फरमाए, कौन करेंगे हिम्मत? अच्छा 10:30 से बोलो, ठीक है 10:30 से 12 बोलो। मोइन भाई 10:30 से 12, मोइन भाई और हमारे भाई जुबेर भी फरमा रहे हैं, जुबेर भाई कपड़े वाले हैं, इलियास, चलो 3 हो गए। बोलो भाई ये हो गया 10:30 से 12, 12 से 1:30 बोलो भाई, इसमें शादा फिट होती इसमें। हाँ ठीक है, सही बोला ना, सही सेटिंग हो रही तुम्हारी अभी। चलो भाई 12 से 1:30 में एक भाई हमारे शादा भाई सेट हो गए, और कौन होंगे इसमें? अंसल क्या फरमाने? 12 से 1:30 माशाल्लाह। इसमें जुबेर कहाँ है? जुबेर नहीं है क्या अपनी मस्जिद में? मेरे ख्याल से जुबेर भी इसमें हो सकते हैं। हाँ हाँ अच्छा फर्स्ट में आते हैं, ठीक है तो फिर इसमें कौन होंगे 12 से 1:30? जी कितने हो गए 12 से 1:30 में? एक और बोलो भाई, और जो मौजूद नहीं उनको बोलो, आप क्या फरमा रहे हैं? चलो ठीक है 1:30 से 3, 1:30 से 3 जरा मुश्किल काम है, अल्लाह आसान फरमाए। चलो ठीक है 3 से बोलो, 3 से 4:30 आसान, हमारे मास्टर साहब जी अब्दुल सलाम साहब टीचर का साथ कौन देंगे भाई? 3 से 4:30 हिम्मत फरमाए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, एक आध साथी तो और होना चाहिए साथ में। दिखा रहे हैं आप, इस्मान भाई आप भी 3 से हो जाओ, अभी 1:30 और 3 को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, है ना, एक जमात अच्छी मजबूत हो इससे बेहतर है, अकेला आदमी तो अकेला ही क्या करेंगे वो 1:30 बजे, ठीक है? या इसको 3:30 से करते हैं, इसको 3:30 से कर लो, 3:30 से 5 अपना फजर का शुरू हो जाएगा, वो राइट टाइम है, 20 का 1 है खला, अल्लाह इसको भी पूरा करेंगे, है ना, थोड़ा हो गया है इंशाल्लाह पूरा भी अल्लाह कर देंगे, अल्लाह कबूलियत दे इसको, ठीक है भाई? इतना काम हुआ है मशवरे से थे, इस पर जमना, और जो बाकी की एक दो घंटा इंशाल्लाह बीच में बाकी है, अल्लाह ताला आगे जाके हिम्मत दे उसको भी पूरा कर लेना। अब आपकी मस्जिद ये 24 घंटे की आबादी में शुमार होगी अगर आप इसको पाबंदी से कर लेंगे। हम मरकज में सुनाएंगे कल इंशाल्लाह, हमारे शबगुजारी में बयान है कि माशाल्लाह हल्के बिलाल में मस्जिद रज़ाक वालों ने रात की भी शिफ्टें बनाई, दिन की भी बनाई, औरों को इंशाल्लाह तरगीब का जरिया होगा, ठीक है इंशाल्लाह, इजाजत है सुना दें, अब आप लोग इस पर जमना फिर, लेकिन ठीक है ना, अल्लाह आसान फरमाए, ठीक है सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, दुआ कराना तो आप करा दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اے اللہ ہمارے یہاں پر جڑنے کو قبول فرما تیری توفیق سے جڑے ہیں तेरी तौफीक से ही अल्लाह
इस काम को तकसीम किया है, तूने जोड़ा है, तूने काम को तकसीम करवाया है, तूने ही हिम्मत दी है, दिल में इरादा तूने पैदा किया है, जबान से हम करेंगे तूने कहलवाया है, ए अल्लाह आसान फरमा दे। हम बहुत कमजोर हैं, हमारे जाहिरी और बातिनी ज़ौफ को दूर फरमा, अपने खजाने से जाहिरी और बातिनी कुव्वत अता फरमा, काम लेने के फैसले फरमा, ए अल्लाह काम वही आसान है जिसको तू आसान करता है, बेशक तेरे तक पहुंचने के, आखिरत बनाने के, ईमान बनाने के, दावत की मेहनत को अंजाम देने के रास्ते बहुत मुश्किल हैं, मुजाहदों से भरे हुए हैं, नागावारियों से भरे हुए हैं, लेकिन ए अल्लाह हम तेरे से आसानी और आफियत की भीख मांगते हैं, ए अल्लाह हमारे लिए आसानी के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा, सहूलत के फैसले फरमा, ए अल्लाह तू आसानी और आफियत के साथ ही हमारे हमसे काम ले लेगा, तुझको कोई पूछने वाला नहीं है, तुझको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, ना तेरा कोई वजीर है, ना मुशीर है, ना शरीक है, ए अल्लाह तू कादिर मुतलक और मुख्तार कुल और बाइख्तियार बादशाह है, हम तेरे से आसानियों की भीख मांगते हैं, आफियत की भीख मांगते हैं, हम सबको आसानी और आफियत और सहूलत के साथ ही काम पर चला दे और चलते रहने की तौफीक अता फरमा, दूर और देर के लिए कबूल फरमा, ए अल्लाह ये काम किया नहीं जाता, ये काम लिया जाता है, हमको काम करना नहीं आता, तुझको काम लेता आता है, ए अल्लाह तूने बकरी चराने वालों से सारे आलम का काम लिया है सहाबा बनाकर, ए अल्लाह हमसे भी काम ले ले, हमारी नस्लों से काम ले ले, पूरी उम्मत को दावत पर मुश्तमा फरमा, पूरी उम्मत से काम लेने के फैसले फरमा, ए अल्लाह ये जो भाई इस मस्जिद में जमा हुए हैं इनके जमा होने को कबूल फरमा, कौन किस लाइन से हाजतमंद है जरूरतमंद है तू जानता है, सबकी जायज जरूरियात को हाजात को अपने कर्म से अपने खजाने से पूरा फरमा, कौन किस लाइन से परेशान है तू जानता है, सबकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा, कौन किस लाइन की बीमारियों में मुब्तला है तू जानता है, ए अल्लाह ये बीमारियां तेरी नियमतें हैं, सेहत तेरी इससे बड़ी नियमत है, ए अल्लाह इन बीमारी की नियमतों को सेहत की नियमत से बदल दे, या अल्लाह आसानियों के फैसले फरमा, मदद के फैसले फरमा, मौत के आने से पहले हमारी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा, खूब तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, ए अल्लाह खात्मा बिल खैर कलमे वाली मौत नसीब फरमा, सारी मेहनत इसीलिए है कि कलमे पर ए अल्लाह और खात्मा बिल खैर हो जाए, हम पर ये अल्लाह आसान मौत, ये अल्लाह मौत की सख्ती से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, कब्र के अजाब से, शिद्दत हिसाब से, जहन्नुम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा कर, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मुकद्दर फरमा, हम इसके अहल नहीं, हमारे पास कोई अमल नहीं कि तेरे से जन्नतुल फिरदौस मांगे, तेरा हुक्म है तेरे हबीब के जरिए, मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, हुक्म की तामील में मांगते हैं, ए अल्लाह अपने कर्म से अता फरमा, या अल्लाह इन दुआओं को महज अपने कर्म से, अपने फजल से, अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب